आयुष व रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद यशो नाइक ने बुलंदशहर पहुंचकर सीएए के विरोध में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों के लिए कहा कि जो लोग सो रहे हैं उनको जगाना आसान है, लेकिन जो सोने का ढोंग करते हैं उनको जगाना बड़ा मुश्किल होता है। इसके साथ ही मंत्री ने कहा कि सीएए के नाम पर दूसरे दल अफवाह फैला रहे हैं, जनता को भ्रमित कर रहे हैं। मंत्री जी ने आगे कहा कि जो अल्पसंख्यक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर भारत आए हैं, सरकार उनको नागरिकता देने का काम कर रही है और ये काम भारत सरकार ने अपने कंधों पर लिया है। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि देश का हर समाज जानता है कि सीएए कोई गलत नहीं है, बल्कि विपक्ष इसको पॉलिटिकल एजेंडा बनाकर राजनीति कर रहा है। बुलंदशहर के खुर्जा में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल कायम करने के लिए खुर्जा स्थित नेहरू की चुंगी पर क्रांतिकारी अशफाक उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल का एक स्मारक बनाया गया। आपको बता दें कि देश में पहला स्मारक है जहां दोनों की मूर्ति एक जगह स्थापित की गई है। स्मारक के उद्घाटन के लिए रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद यशो नायक खुर्जा पहुंचे थे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु श्री पद्मश्री स्वामी भरत भूषण भी यहां पर आए हुए थे। तस्वीरों में आप देख रहे हैं रक्षा राज्य मंत्री और अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु पद्मश्री स्वामी भरत भूषण जी और रक्षा राज्य मंत्री श्रीमान श्रीपद यशो नायक जो कि विराजमान है मंच पर और यहाँ पर कार्यक्रम में पहुंचे हैं बुलंदशहर के खुर्जा में, जहाँ पर क्रांतिकारी अशफाक उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल का की जो प्रतिमा है उनका स्मारक यहाँ पर एक साथ मनाया जा रहा है। देश का पहला स्मारक होगा जहाँ पर दोनों की प्रतिमाएं एक साथ लगी होंगी और यहाँ पर ये मंत्रीगण पहुंचकर तस्वीरों आप देख सकते हैं किस तरीके से अशफाक उल्ला खां और जो है उनका राम प्रसाद बिस्मिल का स्मारक लगाया जा रहा है। बुलंदशहर के खुर्जा से आप देख रहे हैं हमारे संवाददाता धर्मेंद्र के साथ। आज खुर्जा आगमन हुआ आपका, क्या कुछ कार्यक्रम रहा था? मैं स्वामी भरत भूषण जी का आभारी हूँ कि अच्छे कार्यक्रम में उन्होंने मुझे यहाँ सम्मिलित करने जाने का मौका दिया और एक जो कार्यक्रम था वो कार्यक्रम राम प्रसाद बिस्मिल्ला और अशफाक उल्ला खां इनका एक स्मारक बना है यहाँ, उसका उसके इनॉग्रेशन में एक कार्यक्रम आयोजित किया हुआ था। ऐसे देशभक्त हमारे देश में पैदा हुए जिनके कारण आज हम गर्व से यहाँ लेते हैं और इसके शरण में उन्होंने जो कुछ कार्य किया हुआ है, बहुत से कार्य उन्होंने यहाँ किए हैं और सभी को इकट्ठा करके देशभक्ति के इसमें आगे ले जाने का उनका जो कार्य है वो सराहनीय कार्य है और उस कार्य को मैं प्रणाम करता हूँ। सर, ये सीए जो चल रहा है, इस विरोध चल रहा है, उसको लेकर के ऐसे कई जगह उपद्रव हुए और सब कुछ हुआ, उसको लेकर क्या करते हैं? उसका कोई कारण है, मैं हमारे सभी प्रधानमंत्री या होम मिनिस्टर ने आह्वान किया है, विरोध का कारण एक तो कम से कम कारण बताइए। तो क्या लगता है सर, सीए को लेकर लगातार जो विरोध किया जा रहा है, तो क्या ये भ्रमित किया जा रहा है लोगों को, अंदर क्या समझा नहीं पा रही है सरकार? सरकार तो अच्छी तरह से समझा रही है, लेकिन जो सोया हुआ है उसको जगाना ठीक है, लेकिन जो सोने का ढोंग कर रहा है उसको जगाना मुश्किल है। जिस तरह से इस अफवाह को फैला रहे हैं कि आपकी सिटीजनशिप जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी, यहाँ सिटीजन किसी की सिटीजनशिप लेने का या न देने का सवाल नहीं। यहाँ जो सालों से जो कुछ पीड़ित जो माइनॉरिटी करके बाकी देश में थे, पाकिस्तान में थे, बांग्लादेश में थे, अफगानिस्तान में थे, उसके ऊपर अत्याचार कर तो वहाँ से उनको भागना पड़ा, सब कुछ छोड़ के भागना पड़ा। इस देश की मेंबरशिप देने का काम है, सिटीजनशिप देने का काम है, ये अच्छा काम है। भारत का ये स्वभाव है, भारत के ये अपना जो दायित्व है वो आज तक भारत निभा के आ रहा हुआ है और इसके आगे जाके उनको ये काम भारत ने अपने अपने कंधे पर लिया हुआ है और इसमें किसी का विरोध करना कोई इसकी आवश्यकता नहीं। भारत सरकार की क्या नीति रहेगी सीए को लेकर के, लोग ये प्रदर्शन तो कम किया जाए? पार्लियामेंट के दोनों हाउस में पास हुआ है ये, काफी अभी जो लॉ बन गया है और ये जो लॉ है वो ये सभी ने मानना चाहिए और जब जब लोगों को पता चलेगा, कई लोग मोर्चे में आते हैं, उनको कहते हैं आप ये जो तो भांति है उस भांति को हम दूर करने में ऐसे हो जाए। जो लोग इसका प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सर, जगह जगह देश में कई राज्यों में इसका प्रदर्शन किया गया, तो क्या लगता है वो सोए हुए लोग हैं, जागे नहीं है, जागरूक नहीं? नहीं, जागृत नहीं, नहीं नहीं, सोए हुए लोग नहीं, ये 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 जो
उनका पॉलिटिकल एजेंडा बन गया है। ये तो वोट बैंक की चिंता करते, ऐसा नहीं है। यहाँ का हर समाज का आदमी जानता है इस CAA में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन अपनी पॉलिटिकल ये आगे बढ़ाने का काम ये चल रहा है। कौन सी पार्टी ऐसी पॉलिटिकल बढ़ा रही है? कांग्रेस है, वेस्ट बंगाल की तृणमूल कांग्रेस है, ये जो मेन पार्टी जो है ये वो सब गलत है। शिक्षित युवा भी तो सब विरोध कर रहे हैं, ये बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में भी विरोध हो रहा है। ये तो अलग विषय है, ये तो अलग विषय तो सर CAA पर ही विरोध है इसका। वो हाँ CAA पर है, विरोध करना ये लोकतंत्र का ही भाग है, विरोध करना चाहिए। विरोध लगातार जारी है अभी। हाँ अभी भी जारी है, हो जाएगा और थोड़े दिन चलेगा। सर ऐसी इसी तरीके से रहेगा? हाँ नहीं, विरोध तो उसमें अभी बहुत से हम देखे हैं, बहुत से राज्यों में कमी आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।